तो कैसे हैं आप दोस्तों। शिक्षावृत्ति जुड़ी मैं अपडेट आपके पास लाता रहता हूं। और जैसे आपको मालूम है कि हमारे जो वेटिंग वाले भाई बहन हैं, चाहे मैं जनजाति विभाग की बात करूं, चाहे मैं बात करूं आपकी DPI की, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। जहाँ पर मैं बात करूँ, कुछ सीटों को होल्ड भी किया गया है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग चयन सूची में थे, उनकी जो सीट है वो होल्ड कर दी गई। तो उनके संबंध में भी अभी तक कोई निराकरण विभाग की तरफ से नहीं आया। जैसे कि विभाग ने पहले अपडेट दिया था दोस्तों कि दिसंबर में जो है हम ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर निकल चुका है, तो अब 12 जनवरी 2022 को भोपाल में ये मांग की जा रही है हमारे CM साहब से भी और हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी कि जो भी पोस्टें उन्होंने निकाली हैं और लिस्ट तैयार है, वेटिंग लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है। हाँ, फाइनल वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की, जबकि 28/8/2018 में आपको फाइनल प्रतीक्षा सूची भी जारी करनी थी, उसमें जो नियम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं की गई है। यहाँ पर ये हो जाता कि बहुत हद तक क्लियरिटी हो जाती, बहुत से लोग जो उनकी रैंकिंग अभी ज़्यादा है वो बहुत कम शो होती, क्योंकि वेटिंग से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से लोग बाहर हुए हैं और बहुत से लोग जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए हैं, तो उनकी भी सीट जो है वेटिंग से ही फिल की जाएगी। तो उस संबंध में दोस्तों ये सभी मांगे और साथ में पद वृद्धि की मांगे, क्योंकि लाखों पद खाली हैं और हमारे CM साहब से भी बार बार जो है अनुरोध किया गया है, ज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से भी जो है दोस्तों उनके पास ये मांग पहुंचाई गई है कि लाखों पद खाली हैं, तो उनमें से बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, मैं वर्ग 2 की बात करूँ, वर्ग 1 की बात करूँ, ना के बराबर उनकी पोस्टें निकाली गई, तो सबकी ही पोस्टें बढ़ा दी जाएँ, जिससे कि जो 10 साल बाद शिक्षक भर्ती हो रही है उसके कुछ मायने निकलें, लोगों को रोजगार मिल सके दोस्तों। तो इसके लिए भी प्रयासरत हैं। तो ये सभी मांगे 12 जनवरी 2022 को भोपाल में की जाएंगी दोस्तों, आप सभी के सहयोग से। इसमें जो वेटिंग वाले हैं उन्होंने काफ़ी इंतजार कर लिया है। हाँ, अगर विभाग की तरफ से कोई अपडेट आ जाती कि हम इस तारीख तक आपकी जो है ज्वाइनिंग कर देंगे, या जिन लोगों को होल्ड किया गया है जो कि चयन सूची में थे, हम इस दिन तक आपकी जो है नियुक्ति कर देंगे, या फिर पद वृद्धि हो जाती जैसे कि मांग है, तो फिर ये हम सबके लिए खुशी की बात होती। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, दिसंबर की बात कही गई थी, दिसंबर निकल चुका है दोस्तों, अब जनवरी है और जब तक हम सभी मिलकर मांग करेंगे तभी इस पर कुछ हल निकलेगा दोस्तों। तो जनजाति विभाग की बात करूं, चाहे DPI की बात करूं, वेटिंग क्लियर होनी चाहिए, पद वृद्धि होनी चाहिए और जो सीटें होल्ड की गई हैं उनके संबंध में भी कुछ न कुछ निराकरण आना चाहिए। तो ये छोटी सी दोस्तों अपडेट थी। हालांकि जो भी DPI गए हैं वेटिंग संबंधी बात करने के लिए या जो सीटें होल्ड की गई हैं, उन्हें ये कहा गया कि हम जो है जनवरी के सेकेंड वीक में जो है आपको कुछ ना कुछ अपडेट दे देंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अपडेट दे ही देंगे या फिर भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वो पूरा कुछ ऐसा कंफर्म है नहीं, कन्फ्यूजन वाला मामला है दोस्तों। इसलिए मांग की जा रही है आप सभी के सहयोग से दोस्तों। इसके अलावा और भी दोस्तों मुहिम है, क्योंकि बहुत सारे विभागों में काफ़ी पद खाली हैं, तो जो बेरोजगार युवक हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि उन पदों को भरा जाए। और मेरा जो चैनल है वो शिक्षक भर्ती जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तो मांग जारी है, तो सभी का सहयोग इसमें मिल रहा है दोस्तों। जितनी भी मध्य प्रदेश के संगठन हैं वो सभी सहयोग कर रहे हैं इस चीज़ को, तो आप सभी भी सहयोग करें दोस्तों। और इससे जुड़ी कोई और न्यूज आएगी डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। 5 तारीख तक जो है दोस्तों अपडेट भी मंगाया गया था वेटिंग वालों का कि किन का निराकरण हो गया, होल्ड वालों का क्या निराकरण हुआ, कोई रिजेक्ट तो गलती से नहीं हो गया, ये सब चीज़ें। तो अब वो भी टाइम निकल चुका है, उसके बाद अभी तक कुछ ऐसी अपडेट नहीं आई है कि हम यहाँ तक नियुक्ति दे देंगे। तो उस संबंध में ये मांग करना जरूरी है और आगे भी मांग करते रहेंगे दोस्तों। तो ये छोटी सी अपडेट थी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।